Hello friends, welcome to an episode of Bollywood This Week. मैं आमिर अंसारी, आप सभी लोगों का शाहिद कपूर की फिल्म जर्सी के डे नंबर वन के फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन प्रेडिक्शन, ऑडियंस ऑक्यूपेंसी, शो काउंट एंड एडवांस बुकिंग रिपोर्ट में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। क्या हो रहा है मेरा भाई? जर्सी रिलीजेज इन सिनेमाज टुमारो। फाइनली बहुत ही लंबे अरसे इंतजार करने के बाद जर्सी फाइनली सिनेमा घरों में आने वाली है। अब गाइज, बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आप सभी लोगों को बताना है। सबसे पहली बात तो इसे अच्छे खासे शोज मिल रहे हैं, तो कल जाकर वापस से वो जो वेव का बहाना है वो ना दे ये फिल्म, क्योंकि शोज अच्छे खासे मिले हैं। क्योंकि KGF वेव है, पहले RRR वेव था, उससे पहले था कश्मीर फाइल्स वेव था, उस तरह का बहाना नहीं मिलेगा। अच्छे खासे शोज मिल रहे हैं, कंटेंट क्लिक हुआ फिल्म का, जरूर पिक्चर पैसा कमाएगी। अब गाइज, आज के एपिसोड में डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली कितने स्क्रीन्स मिले हैं। तो गाइज, जर्सी को 2550 स्क्रीन्स मिले हैं। यस, अगर KGF चैप्टर 2 नहीं होती तो इससे ज्यादा जरूर मिलता, लेकिन फिलहाल इस सिचुएशन में 2550 स्क्रीन्स बहुत ही अच्छा टोटल है। एंड ओवरसीज इसको एक बाप रिलीज मिली है, 900 प्लस लोकेशंस में जर्सी इज रिलीजिंग टुमारो इन सिनेमास। अब गाइज, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यूजुअली आपने देखा होगा, अभी पुष्पा से स्टार्ट हो गया था, इवन 83 में मॉर्निंग 7 AM, 7:30, 8 AM, 8:39, अपन तो सुबह 8 बजे के शोज जाते हैं, तो अपने को मालूम है, मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ, 7 बजे, 7:30 बजे जर्सी वालों ने ये सारे के सारे शोज नहीं रखे हैं। अब कैन यू बिलीव इट, अब कब तक फिल्म नहीं लाओगे बाहर, ये समझ में नहीं आ रहा। तो अगर इस पहले शोज जो है जर्सी के एक ही एक दो थिएटर्स में है 8 बजे के, लेकिन जो मैक्सिमम शोज है वो 9 बजे के बाद है। एंड द फनीएस्ट पार्ट इज 9 बजे के बाद 10 बजे, 10:30 बजे, 11, 11:30 नहीं, सीधा 12 बजे का शो है। यानी कि जो मॉर्निंग स्क्रीनिंग है वो जर्सी वालों ने अच्छे से रॉयली हटा दिया है। अभी क्या नई स्ट्रेटेजी है पता नहीं, लेकिन जो शोज है वो बेसिकली आफ्टरनून से स्पीड पकड़ेंगे, पेस पकड़ेंगे एंड रात तक जाएंगे। लेट्स सी गाइस, क्या ये स्ट्रेटेजी जो है इनकी काम करती है नहीं करती है। यस, फ्राइडे विल बी वेरी लो, ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, एंड मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी विल बी वेरी बैड, कई जगहों पर शोज शायद कैंसिल भी होंगे, लेकिन फिल्म जो है वो आफ्टरनून से जो पेस है वो पकड़ेगी। एंड डेफिनेटली जो उसका कलेक्शन फ्राइडे को आएगा, संडे को जो कलेक्शन है वो डेफिनेटली फ्राइडे से ज्यादा आने की पूर्ण तरीके से कोशिश करेगा। अब सब कुछ निर्भर है इसके वर्ड ऑफ माउथ पे, वर्ड ऑफ माउथ तो अच्छा आएगा ही आएगा, क्योंकि गाइस कल वापस प्राइवेट स्क्रीनिंग रखी गई थी, एंड प्राइवेट स्क्रीनिंग जब रहती है तो आपको बाहर निकलकर अच्छी बातें बोलनी ही पड़ती है। अंधेरी में सिटी मॉल में इसका एक स्पेशल शो रखा गया था कल शाम को, तो आप ऑब्वियसली स्वाभाविक है कि वहां से अच्छे रिव्यूज आने ही थे इस फिल्म को। अब गाइस बात करते हैं मुंबई में, तो जर्सी को मुंबई में 457 शोज मिले हैं, विच इज अ वेरी 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 डिसेंट यू नो शो काउंट। एंड KGF के पास अभी फिलहाल 1120 शोज है, यानी कल KGF का 8वां दिन एंड जर्सी का 1वां दिन विल बी इक्वल शोज, वो हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल KGF के 450 शोज कट जाएंगे यहाँ से। ओके, एंड कल ऐसा लगता है कि KGF विल बी समवेयर अराउंड 550 टू 600 शोज एंड जर्सी विल बी 450 शोज, यानी कि इक्वल से लेके अनइक्वल शोज दोनों बराबर से लेके चलेंगे। दिल्ली NCR में जर्सी 523 शोज है, एंड गाइस KGF अभी फिलहाल दिल्ली NCR में 1169 शोज है, यानी कल दिल्ली NCR में भी KGF एंड जर्सी जो है अच्छे खासे इक्वल शोज लेकर चलेगी। अहमदाबाद में जर्सी के 200 शोज है, एंड आज KGF 2 के 537 शोज है, यानी कि 537 में 200 शोज जो है वो कम हो जाएंगे। बात करो सूरत की, तो सूरत में कल जर्सी के 106 शोज है एंड आज KGF के 311 शोज है, यानी कि लगभग कल देखने लायक रहेगा कि जर्सी अपने पहले दिन KGF के 8वें दिन जितने शोज जो है वो लेकर चल रही है। बात करेगा इस एडवांस बुकिंग की, तो एडवांस बुकिंग नेट कलेक्शन 1,30,00,000 रुपए का हुआ है, ये काफी ठीक ठाक है। ऐसा लग रहा है कल ये फिल्म कहीं ना कहीं 5 या 5.5 करोड़ के बीच में अपना पहला दिन जो है वो ओपन करेगी। और हम शुरुआत करते हैं इसके एडवांस बुकिंग से, तो बात करो मुंबई की, तो मुंबई में 457 शोज मिले हैं, जहां पर 2 शो यहां पे हाउसफुल हो चुके हैं एंड 19 शोज फास्ट फिलिंग है, 9% की ऑक्यूपेंसी है। दिल्ली NCR 523 शोज है, कोई भी शो फुल नहीं है, 36 शोज फास्ट फिलिंग है, 11% की ऑक्यूपेंसी है। बात करो पुणे की, तो 148 शोज है, कोई भी शो फुल नहीं, कोई भी फास्ट फिलिंग नहीं, 8% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु
में 156 शोज है, 0 शोज हाउसफुल एंड 7 शोज फास्ट फिलिंग, 11% की ऑक्यूपेंसी है। हैदराबाद इज द स्ट्रॉन्गेस्ट जोन, 183 शोज मिले हैं, जहां पर 7 हाउसफुल शोज है, 52 फास्ट फिलिंग शोज है। हैदराबाद ऑब्वियसली लोगों का जो इंटरेस्ट है इस फिल्म के प्रति ज्यादा रहेगा ही, क्योंकि ऑब्वियसली जर्सी तेलुगु फिल्म थी एंड वहां के लोग देखना चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या किया है यहाँ पर शाहिद कपूर ने इस फिल्म में। दैट्स द ओनली रीजन आई सी कि शोज हाउसफुल हुए हैं। कोलकाता की बात करूं, 156 शोज है, कोई भी शो फुल नहीं, कोई भी फास्ट फिलिंग नहीं, वेरी बैड 3% ऑक्यूपेंसी। अहमदाबाद 200 शोज है लेकिन 22 शोज फास्ट फिलिंग विच इज गुड, 20% ऑक्यूपेंसी विच इज वेरी नाइस। बात करूं चेन्नई की, 48 शोज है, 4 शोज हाउसफुल है, 21% की ऑक्यूपेंसी है गाइस यहाँ पर एंड 22 फास्ट फिलिंग है, वेरी नाइस। सूरत की बात करूं, 106 शोज में कुछ भी फुल नहीं है, एक फास्ट फिलिंग है, 11% की ऑक्यूपेंसी है। जयपुर में 62 शोज है, कुछ भी फुल नहीं, कुछ भी फास्ट फिलिंग नहीं। भोपाल में 30 शोज है, लखनऊ में 89। जब मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं मतलब नो फास्ट फिलिंग नो हाउसफुल, ऑक्यूपेंसी लखनऊ की ओनली 6%, कानपुर ऑक्यूपेंसी 5%, सिर्फ 1 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, 28 शोज है। नागपुर 6% ऑक्यूपेंसी, 38 शोज। बात करूं गाइस यहां पे आगरा की, ओनली 42,000 की एडवांस बुकिंग हुई है, यहां पे 11 शोज है। नासिक में गाइस यहां पे 40,000 की एडवांस बुकिंग हुई है, 19 शोज है। वाराणसी में यहां पे 15 शोज है, 3% की ऑक्यूपेंसी है। बात करूं जबलपुर की, 13 शोज है, 2% ऑक्यूपेंसी। प्रयागराज में 10 शोज है, 11% की ऑक्यूपेंसी। अमृतसर में 28 शोज है, सिर्फ 20,000 की एडवांस बुकिंग हुई है। रायपुर में 42 शोज है, यहाँ पे 11% ऑक्यूपेंसी है। भुवनेश्वर में शोज बढ़ाकर 28 कर दिया है। जब भुवनेश्वर ही आपके फिल्म का फुल नहीं हो, एंड गाइस आगे जो भविष्य है वो ही सही नहीं लग रहा है इस फिल्म का। बात करो भुवनेश्वर की, एडवांस बुकिंग इज जस्ट 65,000 रुपीज। सोलापुर में 11 शोज, रांची में 24, गुवाहाटी में 9, जोधपुर में 14, यानी कि मैंने जितना हो सका उतने सिटीज आपके लिए कवर कर रहा हूँ। बात करो जामनगर की तो 16 शोज है, एंड ऐसा लग रहा है जर्सी बस 5 करोड़ के ऊपर थैंक्स टू द वॉक इन ऑडियंस जो है वो पहुंच जाएगी। यही गाइज, एडवांस बुकिंग ऐसी फिल्मों की होती नहीं है, एंड गाइज वॉक इन ऑडियंस पे अब सब कुछ निर्भर है कि कल जर्सी क्या करती है। हम सुबह जाएंगे जर्सी देखेंगे एंड अब मिलेंगे सीधा थिएटर से। लेट्स सी जर्सी कल क्या करती है बॉक्स ऑफिस पे, ये तो वक्त ही बताएगा। जर्सी इन सिनेमास टुमारो, एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।